मोदी और योगी के इंजन में झगड़ा हो गया। झगड़ा मोदी योगी के झगड़े का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इंजन का आपस में झगड़ा हो गया है और दोनों इंजन फेल हो चुका है। मोदी और योगी के इंजन में झगड़ा हो गया, झगड़ा, और इसके कारण दोनों इंजन फेल हो गया। और मोदी योगी के झगड़े का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। बिजली कटौती के कारण लोगों की जान जा रही है। गोरखपुर में 137 लोगों की जान चली गई, बस्ती मंडल में 33 लोगों की जान चली गई, अकेले बलिया में 104 लोगों की जान चली गई। लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, गर्मी के कारण तमाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और ये खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मोदी और योगी के झगड़े के कारण भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी और योगी की लड़ाई के कारण बिजली नहीं मिल रही। प्रदेश भर में जो मौतें हो रही हैं, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे पहले तो उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस गर्मी के कारण जो मौत हुई है, ये उनकी हत्या है आपकी नाकामी के कारण। तो ऊर्जा विभाग से उन परिवारों को मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए जिनकी जान गई है बिजली कटौती से। और दूसरी बात, इस बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के अंदर 22 तारीख को यानी कि परसों व्यापक जन आंदोलन करेगी और प्रदेश की सरकार से मांग करेगी कि बिजली कटौती की समस्या का समाधान किया जाए। जो लोग इस बिजली कटौती के कारण, गर्मी के कारण, भीषण गर्मी में मारे गए, उनके परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए। और जो ये कर्मचारियों की कमी है उसको पूरा किया जाए। ट्रांसफार्मर बिजली के तार जो अब तक बदले नहीं गए, इस पे एक योजनाबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड, समयबद्ध तरीके से काम करके बिजली की समस्या को उत्तर प्रदेश से दूर किया जाए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।